क्लास, अब चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टू सम्स की ओर, जहां पर वापस से आपको यूनिट्स अलग दिए गए हैं। दैट इज सम नंबर 6 विद अ यूनिट लीटर एंड मिलीलीटर एंड सम नंबर 7 विद अ यूनिट रुपी एंड पैसा। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा कि सबसे पहले हमें बोथ द यूनिट्स को सिमिलर सेम करना पड़ेगा, उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे। सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी विल कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर। आप सब जानते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, करेक्ट। सो नाउ वी विल राइट, लीव अ लाइन एंड आई विल राइट हियर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो अब 1 लीटर की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1000 ml। क्यों? बिकॉज 250 ml, 1000 ml, 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 both are same units। तो अब आप इसका रेशो निकाल सकते हैं। You will leave a line and you will write the ratio is equals to first quantity upon second quantity, correct। अब first quantity का मतलब होता है question में जो पहला number आया है। Now the first number in the question is 1 liter, लेकिन 1 liter की जगह पे हम और आप क्या लगाने वाले हैं, 1000 ml। So we don't have to write this ml, we will just write 1000। Ratio का मतलब होता है divide upon, second quantity is 250, so 250 and ratio means to divide। और बाद में बेटा unit place up 0, unit place down 0, cut। और 25 का टेबल आपको परसेंटेज चैप्टर में भी सिखाया था। 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75, and 25 4s are 100। So directly divide by 25 के टेबल में 100 का आता है 4s का, and 25 के टेबल में 25 का आता है 1s का। 4 upon 1, thereafter ये दो नंबर किसी भी अलग टेबल में apart from 1 का टेबल कॉमन नहीं है। Hence the correct answer to the sum will be 4 is 2 1, correct। And thereafter you will leave a line and write read as 4 is 2 1। अब बेटा चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर, दैट इज सम नंबर 7। सम नंबर 7 में आपको दिया है पैसा एंड रुपी। आप जानते हो दैट रुपी 1 या 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। सो नाउ वी विल कन्वर्ट रुपी इनटू पैसा। सो वी विल राइट हियर रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा, करेक्ट। Now see, 60 paisa, 100 paisa, both the units are equal। So ab aap iske liye kya karoge, ratio calculator। So you will leave a line and you will write the ratio is equal to first quantity upon क्वेश्चन में पहले क्या आया है 60 पैसा, तो 60 पैसा ही आपका फर्स्ट क्वांटिटी है। सो यू विल बी राइटिंग हियर 60 रेशो बी डिवाइड अपॉन, सेकंड क्वांटिटी वाज रुपी 1, तो
in place of rupee 1, we will now write 100 paisa. So I will write here 100 ratio means 2 divide. Unit place up 0, unit place down 0, cut. Or fifth, 6 or 10. कौन से टेबल में साथ में आता है? 2 के टेबल पे. So you will divide by 2, divide by 2. Ask yourself, 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 सा. 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 सा. 3 upon 5 बेटा, इसके अलावा और किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है apart from 1. Hence, the correct answer is 3 is 2 and write reads, and we will be reading it as 3 is 2 5. Clear? So by this beta, aapke abhi tak 7 sums complete ho jate hain. Remaining 2 sums of Q2 we will see in the next video, and thereafter aapka Q2 bhi complete ho jata hai. So meet you in the next video with some number 8 and 9 pertaining to same class. Till then, take care of yourself. Okay?